रमैया वस्तावैया के इस गाने में फिल्म के हीरो गिरीश कुमार भले ही श्रुति हासन के लिए पहले से ज्यादा कुछ भी कर गुजरने की बात कर रहे हों, लेकिन श्रुति हासन ने पहले से ज्यादा तो छोड़िए, शायद फिल्म के प्रमोशंस के लिए पहले से तय काम भी नहीं किए। कल मुंबई में रखी गई थी श्रुति हासन की लीड रोल वाली फिल्म रमैया वस्तावैया की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें आने के लिए पूरे बॉलीवुड को न्योता दिया गया था। इस स्क्रीनिंग में बड़े स्टार्स तो नहीं आए, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि स्क्रीनिंग से फिल्म की हीरोइन ही गायब थी। फिल्म के हीरो गिरीश कुमार खुद ही स्क्रीनिंग में आए लोगों का वेलकम कर रहे थे और बाहर आकर मीडिया को पोज भी दे रहे थे। ऐसे में हर किसी की नजर श्रुति हासन को ही वहां खोज रही थी। श्रुति आखिर वहां क्यों नहीं आई, इस बात का जवाब जब वहां किसी से नहीं मिला तो जूम ने खुद ही इसकी तहकीकात शुरू कर दी। पता चला कि श्रुति हासन मुंबई में ही थी और जिस वक्त उनकी लीड रोल वाली फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी, उस वक्त वो अपने छोटे से रोल वाली फिल्म डी डे की स्क्रीनिंग में आए स्टार्स का वेलकम करने में बिजी थी। बॉलीवुड में ऐसा काफी लंबे अरसे के बाद हुआ है कि किसी हीरोइन की दो फिल्में एक ही हफ्ते में रिलीज हुई हो। ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन छोटे रोल वाली फिल्म की स्क्रीनिंग में मौजूद रहकर श्रुति ने बड़े रोल वाली फिल्म की स्क्रीनिंग से दूर रहने का फैसला आखिर क्यों किया, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। डी डे की दो दो स्क्रीनिंग में मौजूद रहना और रमैया वस्तावैया की एक भी स्क्रीनिंग में ना आना सवाल तो खड़े करता ही है। ऐसा फैसला श्रुति ने क्यों लिया, इसका सही सही जवाब तो वो खुद ही दे सकती हैं। लेकिन गॉसिप की गलियारों में खबर ये भी है कि फिल्म डी डे को क्रिटिक्स का ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन रमैया वस्तावैया के साथ ऐसा नहीं हो सका है। ऐसे में हो सकता है कि श्रुति हासन फिल्म डी डे से ज्यादा नाम कमाने की उम्मीद कर रही हो। फिर भी अगर रमैया वस्तावैया की स्क्रीनिंग प्रमोशंस को उन्होंने जानबूझकर साइडलाइन किया है तो ये बात बॉलीवुड के सर्कल्स में ज्यादा दिन छुपी नहीं रह पाएगी। रमैया वस्तावैया बॉक्स ऑफिस पर जैसा भी रिजल्ट दिखाए, लेकिन श्रुति हासन के इस रवैये की शिकायत उन प्रोड्यूसर्स को जरूर रहेगी जिन्होंने उन्हें इस फिल्म के लीड रोल के लिए साइन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।